सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में साधन सहकारी समिति के चुनाव में नामांकन के दौरान भारी गड़बड़ी होने की आशंका है। आज नामांकन है, लेकिन क्षेत्र के समितियों पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। विपक्ष के लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिसको नामांकन के लिए नियुक्त किया गया है वह समिति से अराड़ा है। यह सब सत्ता पक्ष का दबाव है, ऐसा लग रहा है अधिकारियों को दबोच रखा गया है। लोगों ने कहा कि आज नामांकन नहीं हुआ तो वह लोग न्यायालय का भी शरण लेंगे। वहीं इस मामले में एसडीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को नामांकन कराने का निर्देश दिया गया था, आज ही नामांकन होगा। आज ये सोसाइटी कोऑपरेटिव का चुनाव है और यहाँ हम लोग सब मिल करके पर्चा दाखिल करने आए हैं। 10 बजे से लगातार हम लोग यहाँ खड़े हैं पर्चा को लेकर के हाथ में। यहाँ के जो अधिकारी हैं, सचिव और ये जिनको नियुक्त किया गया है, कोई सेक्रेटरी हैं अमित, चुनाव अधिकारी त्रिपाठी हैं कोई, ये दोनों लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हमने एसडीएम डुमरियागंज से भी कोशिश की बात करने की, उनसे बात नहीं हो पाई है। अभी हमने डीएम महोदय से कहा है, उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो यहाँ अभी तक अधिकारी नहीं पहुँचे हैं ये सत्ता पक्ष का दबाव है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सत्ता पक्ष के लोग उन अधिकारियों को दबोच लिए हों, लेकर चले गए हों। अगर हम लोग पर्चा दाखिल नहीं कर पाए तो हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे और सड़क पे भी उतरेंगे। आज हम लोग 9 वार्ड का यहाँ चुनाव है, इस साधन सहकारी समिति डुमरियागंज का 9 वार्ड के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग अपना अपना पर्चा दाखिल करने के लिए, जिसमें मैं भी एक उसमें भागीदार हूँ। 10 बजे से लेकर के अब तक हम लोग यहाँ के निर्वाचन अधिकारी अभिषेक तिवारी और यहाँ के सचिव प्रभारी ओम प्रकाश पांडे की प्रतीक्षा में हैं कि हम लोगों का पर्चा दाखिल हो जाए। और यहाँ से हमें जो लग रहा है कि उन दोनों अधिकारियों का अपहरण हो चुका है, और इसलिए हमें लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने में मुझे शक लग रहा है। मेरे द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सब लोग अधिकारी जो हैं अपने अपनी जगह पर पहुँच के पर्चा देखे, हम लोग आज ही सुनिश्चित कराएंगे जितने लोग हैं सबका होगा।